ये है फालूदा, लास्ट फालूदा जो मैं अभी पी के जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सैयद इस्किल और आप लोग देख रहे हैं सैयद इस्किल का यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल हम लोग लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि अब लखनऊ में आ चुके हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जाते जाते बहुत ही ज्यादा सेवा हुआ है, चिकन विकन और फालूदा उलूदा सब खा के हम लोग कनेक्टन हो गए हैं। और अभी जाने का प्लान है हम लोग को, अभी जो हमारी ट्रेन है लखनऊ जाने के लिए चीप एंड बेस्ट हम लोग ने जो पकड़ा है वो ये पकड़ा है कि यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी ऑफिस की ओर, ऑफिस से फिर हम लोग जाएंगे पाटलिपुत्रा स्टेशन, पाटलिपुत्रा से सोनपुर और सोनपुर से फिर लखनऊ के लिए। तो ट्रेन है अपना 8:45 में पाटलिपुत्रा से, और फिर पाटलिपुत्रा से 9:30 बजे तक हम लोग को सोनपुर पहुंचा देगा, और वहां से 10:30 में हम लोग फिर सोनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। तो ये है पूरे जर्नी का कहानी बाकी। हाँ, तो वहां पे जो है पैकिंग चैकिंग चल रहा है और मैं लास्ट फालूदा जो पी के अब निकलने वाला हूँ। तो आप लोग को अपडेट देते हैं आगे कि क्यों और कहाँ और कैसे जा रहे हैं। ऑफिस अच्छा मिले जिसमें हम आए तो आराम में हमको काफी करना जी। तो बिल्कुल, हम तो जाएंगे सो जाएंगे। चलो जूता पहनिएगा ना भैया। हाँ। भैया गिटारिस्ट हो गए, बताए नहीं आप। बहुत कुछ सीखा भैया ने। भैया ने बहुत सीखा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्री प्लान हमको भेजा गया, यहाँ घर पे कैसे रहते हैं, ऑफिस में कैसे रहते हैं। निकलने का टाइम हो चुका है। मीट मंगलम सूरज जी आदित्य फाइनली आ चुके हैं पाटलिपुत्र स्टेशन, और यहाँ से अभी जाएंगे हम लोग सोनपुर, और सोनपुर से जाएंगे पीछे से आवाज बहुत ज्यादा है तो अभी आवाज आएगा नहीं, तो आप लोग को अगला अपडेट देते हैं सोनपुर पहुँच के। अपना ट्रेन जो था वो 3885 करके था, तो हम लोग जो है प्लान चेंज कर लिए, 1555 वाली ट्रेन को पकड़ लिए जो कि सोनपुर पहले पहुंचाएगा, और सुमित जो कि दीघा में वेट कर रहा है। तो अंदर सीट भी मिल गया, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस सोनपुर पहुंचना और वहां पे बैठ के फिर रेस्ट करना है। तो प्लान यही चेंज है थोड़ा, क्योंकि वो ट्रेन डिले थी जो यहां आने वाली थी। सो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पहुंचते हैं तो फिर आपको सोनपुर में अगर रहा माहौल तो बनाएंगे वीडियो, नहीं तो सीधे लखनऊ का घुमाएंगे। 9:50 हो गया, हम लोग जिस टाइम पे आए थे 8:50 में, तो वैसे में तो ट्रेन जो है चली गई जिस ट्रेन से हम लोग एक्चुअल में जाने वाले थे। अब जो ट्रेन का वेट कर रहे हैं उसमें उसके लाइट में कुछ दिक्कत है, तो प्लान ये हुआ है और उसको जाने का कुछ पता नहीं है, क्योंकि पटना जंक्शन से भी चला था तो 2 घंटा वहाँ पर रुक के चला था, फिर यहाँ आया था, और अब इसके टाइम तक कुछ कंफर्म नहीं है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे या ऊबर करेंगे और फिर सोनपुर पहुँचेंगे। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो तो पता नहीं। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग जिस ट्रेन पे बैठने वाले थे वो ट्रेन तो चल गई, और चलने के बाद हम लोग दूसरे ट्रेन पे बैठ गए। और क्रेडिट गोज टू भैया, ऐसा ही है। ट्रेन आया भी हम बोले भैया चलिए भैया, यहाँ से गाड़ी नहीं मिलता है भैया, अपने अंदाज से जो है शहर से के और हम बैठ गए तो फंस गए। अब 200 का चूना लगा है, कौन भरेगा। जय भैया। बस देखिए जो हो भैया के नाम पे फिर भारत के गलत जो भी होता है हमारे यहाँ वो भैया ही करते हैं, ऐसे तो अनजाने में करते थे लेकिन इस बार जान से कर दिए हैं। कैसा लग रहा भैया। बात लगने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कहा अभी कि जो भी गलत हो भैया के नाम पे बिल फाड़ दीजिए, वैसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ अभी। जानबूझ के भैया नहीं, चलिए भैया चलिए भैया, मतलब एनर्जी वाला चलिए नहीं था। नहीं, बड़े भाई हैं हमारे, अब तो ऑफिस खत्म तो सर और ये खत्म बैठ कर अभी हम लोग जा रहे हैं सोनपुर ऑटो से, है ना, ऑटो से फिर वहाँ पे पहुँचना, क्योंकि 10:50 में हमारी ट्रेन और लेट हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग ने ऑटो कर लिया, वेट किया 9:50 तक, लेकिन वो ट्रेन चला नहीं, उसके साथ कुछ इशू था। सो कार्ड से डिस्कस करने के बाद हाँ क्या क्या है, कार्ड से पूछे तो वो बोला कि भैया आप लोग निकल जाइए, इस ट्रेन के भरोसे मत बैठे। दैट इंस्टेंस की वहाँ का केयर टेकर जो उस ट्रेन का रहता है, मैं कैब अब सोनपुर पहुँचते और बताते हैं टाइम से पहुँच पाते हैं कि नहीं। बहुत गंदा सीन हो गया अभी, हम लोग जो है सोनपुर के लिए 10:50 में ट्रेन है और अभी यहाँ से सोनपुर जाने के लिए तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारी ऑटो उधर है और वहाँ पे सीएनजी भराया जा रहा है, उनको भी अभी सीएनजी भराना था। दिमाग का बहुत ज़्यादा असर हो चुका है, ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं पता। 10:50 हो, अभी 10:25 हो रहा है और 20 मिनट में हम लोग को पहुँचना है। ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान भरोसे, बस ऑल क्रेडिट गोज टू भैया। फुल स्पीड में है भीड़ू अपने लोग, ट्रेन छूटने वाला है, क्या बात है। हॉर्न हम देखे एकदम हम भैया आ गए मूड में, क्या हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं। लगी पड़ी भी है, दिमाग का हालत खराब हो गया, फसल बच गया मेरे दिमाग में। अब बहुत भयानक सीन हुआ, अभी हम लोग पहुंच गए फिलहाल सोनपुर फाइनली और ट्रेन थोड़ा सा लेट है तो बढ़िया बात है। कितने प्लेटफॉर्म पे आ रहा है सुमित? जो हुआ बहुत भयानक हुआ, फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रहा है और हम लोग रीच किए हैं। शायद ट्रेन भी आ गया, जो दिख रहा है जो हालत हुआ है सिर्फ एक गलती से कि गलत ट्रेन पे बैठ गए। ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर तनवीर सर, सफर को सुहाना बना दिए और खुद पे 200 का चालान भी कटवा दिए। ये रहा सुमित जो एक घंटा पहले पहुंच गया समझदारी बरतते हुए, और वो रही सामने ट्रेन जो आ रही है। तो मजा आया, बहुत रोमांचक रहा शुरुआत से ही हमारा सफर, और अब फाइनली ट्रेन पे हम लोग बैठने वाले हैं। सामने से यही वो ट्रेन है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्या, इसको चेस कर रहे थे, एक तरफ ऑटो एक तरफ ट्रेन, यही वो ट्रेन। हाँ क्या बोल रहे हो? मरने से अच्छा है ना सर कि पी पाके मरे। बेहतरीन शुद्ध जल पानी है, ये बंद है तो अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि सोने के लिए आए हैं, मन तो आ नहीं रहा, माहौल बना हुआ है बट स्टिल मजे आ रहे हैं सफर में, क्योंकि शुरुआती कुछ मस्त हुआ है और अभी 12:30 बज गया, छपरा पहुंच गए है ना, और ट्रेन यहाँ से 12:40 में खुलेगी और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 26, तो काफी टाइम है अभी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, टहलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन दुकानें यहाँ पे सब बंद है तो कुछ खरीद नहीं सकते हैं ना। तो बाकी अपडेट आपको देते हैं छपरा के बाद। गोरखपुर में मानते हैं, गोरखपुर 4:00 4:30 पहुंचाएगी, तो ठीक है नेक्स्ट अपडेट देते हैं आपको जहाँ पे मन करता है। क्या हो रहा है? हम पूरी खाया था, कैमरा में हमको बदनाम कर दीजिए। ऐसे तो लाओ ना पूरी, आप ही लोग ना खाए, हम तो चखा भी नहीं है भाई। मैं बता ना क्या है, क्या इसी में होगा, बोला था ना सुमित है। वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग विथ अ मैंगो। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं सुमित? अयोध्या से 2 स्टेशन पीछे हैं अभी, और देखिए अयोध्या से पीछे तो हैं, दिख रहा है दोस्त अपना ही रहा, इसका बहुत बदमाश होता है, मोबाइल वोबाइल छीन के भाग जाता है। बैक है, ट्रेन लेट है तो हो सकता है कि हम लोग भी लेट ही पहुँचे, टाइम ऐसे 10:50 में पहुँचाने का था तो शायद 12:50 या
12-1 भी कर सकता है। दुश्मन हमारे सामने चला रहा है। हमला तो फाइनली वी आर रीच। कैसा रहा सफर आप लोग का? बहुत बढ़िया। तो अभी लखनऊ पहुंच गए हम लोग और फोटोशूट बचा हुआ है। मॉडल तैयार है अपना ड्रेस व्रेस पहन के। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे हुसैनाबाद और हुसैनाबाद के पास है एक हॉस्टल, यूथ हॉस्टल, वहाँ स्टे करने का प्लान है और देखते हैं वहाँ पे अभी बिस्तर है कि नहीं, बेड है अवेलेबल कि नहीं। नहीं होगा तो फिर दूसरा हॉस्टल लेके चलना होगा। हमारे पास इतना सामान है। तो अगला ब्लॉग आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।